हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G फ़ोन है, तो रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शंस के जरिए आप कैसे स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और कैसे आप ऑटो रोटेट स्क्रीन को ऑन करके स्क्रीन को रोटेट कर पाएंगे किसी भी एंगल में। तो आज हम बताने वाले हैं कि स्क्रीन को आप रोटेट कैसे कर सकते हैं और कैसे स्क्रीन को आप रोटेट कर पाएंगे रेडमी फ़ोन में, तो हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन से ओपन हो जाएंगे। सिंपली आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर होम स्क्रीन रोटेशंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं और स्क्रीन को रोटेट कैसे कर पाएंगे, तो सिंपली आपके पास ये डिस्प्ले सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाता है। तो डिस्प्ले सेटिंग्स पे जाकर जो भी आप स्क्रीन को रोटेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से ऑन करते हैं तो आपकी स्क्रीन रोटेट हो जाएगी किसी भी एंगल में और आप स्क्रीन को रोटेट कर पाएंगे। देख सकते हैं किसी भी ऐप स्क्रीन को आप रोटेट करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे फ़ोन को आप इस तरीके से करते हैं तो आपकी स्क्रीन है रोटेट हो जाती है, और वापस आप इस तरीके से रख देंगे तो आपकी फ़ोन की स्क्रीन है रोटेट नहीं होगी क्योंकि हमने इसको ऑफ़ कर दिया है। तो इस तरीके से हम स्क्रीन रोटेशंस को ऑन ऑफ़ कर सकते हैं और स्क्रीन को रोटेट भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ से भी ऑप्शन आता है सेटिंग्स का, जहाँ से आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स पर जाकर होम स्क्रीन रोटेशंस को ऑन ऑफ़ कर सकते हैं और स्क्रीन को भी रोटेट कर सकते हैं। इसके लिए डिस्प्ले पे जाना होगा, जहाँ से इसको ऑफ़ कर देंगे तो स्क्रीन आपके फ़ोन में रोटेट नहीं होगी क्योंकि हमने इसको ऑफ़ कर दिया है। तो इस तरीके से होम स्क्रीन रोटेशंस को ऑन ऑफ़ कर सकते हैं, स्क्रीन को रोटेट वगैरह भी कर सकते हैं रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें।